को क्लोज करो, हाथ को क्लोज करो और बॉडी स्ट्रेट रखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, खींचो, बैक स्ट्रेट रखो, पूरा नीचे, पूरा नीचे। जोर का टाइम हो गया है। सो व्हाट्स योर नेम ब्रो? जेफ्री। जेफ्री, देख सकते हैं सर सपोर्ट ट्रेन कर रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो गई है, सुबह नहीं एक्चुअली में आफ्टरनून हो गई है, गुड आफ्टरनून। और अभी बज रहे हैं, टाइम देखना पड़ेगा कहाँ गया मेरा फ़ोन। तो 12:45 और मुझे जाना है अभी जिम, तो सोचा आज इसी टॉपिक पे वीडियो बना लें। तो लेट्स गो, चलते हैं मेरी साइकिल के साथ। साइकिल पड़ी है किचन में। तो गाइस मैं हो गया रेडी और सॉरी शूज बाकी है, वेट शूज पहन लूं पहले। सो गाइस अभी हो गया रेडी, बैग उठाया और साइकिल निकाल लेते हैं। ये हमारी टार्जर है, एक अच्छी खासी चलती है, चार्जिंग कितनी अच्छी चार्जिंग है। तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं और चलते हैं बाहर की ओर और आपको दिखाते हैं बाहर के हसीन नज़ारे, क्योंकि अभी जाना है हमें रिग्गा जिम के लिए। तो आपको रास्ते में पूरी डिटेल में बताते चलूँगा कि यहाँ पे कौन कौन से व्यू पॉइंट है और क्या है यहाँ के रोड रास्ते वगैरह, सारी डिटेल आपको तफसील में बताऊँगा और आपको दिखाऊँगा यहाँ के आफ्टरनून में किस तरीके का माहौल है। तो अभी हम लोग चलेंगे रिग्गा मेरे जिम, आप लोग को दिखाऊंगा मेरा जिम कैसा है। तो बाहर निकाल रहे हैं साइकिल और अभी तो पूरा माहौल शांत सा है और धूप शायद हो या ना हो उसका कुछ आइडिया मुझे नहीं है, बट देखते हैं बाहर जाने के बाद पता चलेगा कि क्या माहौल है वहाँ का, क्योंकि जाहिर सी बात है आफ्टरनून है तो धूप तो होगा बट थोड़ा बहुत है, उतना ख़ास नहीं है। और ये यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं एग्जैक्ट बिल्डिंग से, तो मेरे लेफ़्ट साइड में है एक गिफ्ट पॉइंट करके जो कि यहाँ पे शॉपिंग सेंटर है और मेरे राइट साइड में है एक अरबी शोरमा जो कि उसको अलफरत रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता है यहाँ पर और काफ़ी मशहूर है। और सामने की तरफ जो बड़ी सी दो बिल्डिंग देख रहे हैं वो अलगुरेर मॉल का टावर है और वहीं पर है आपका देख शायद सुना होगा नाम स्वीस होटल, तो स्वीट होटल वही है अलगुरेर के ग्राउंड फ्लोर में एग्जैक्ट। और यहाँ से तो शायद अभी हम लोग नहीं जाएंगे, सिग्नल पे आगे से सीधे सीधे निकल जाएंगे और वहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे रिग्गा, क्योंकि रिग्गा रोड वहाँ से लेफ्ट में शुरू होता है। और शिट, तो यहाँ से तो रोड बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ से अब बंद होने वाला है और फ्यूचर में ये भी बंद होगा और वहाँ से भी बंद होगा, बट अभी खुला है तो वहीं क्या रास्ता यूज़ कर लेते हैं और वहीं से जाएंगे हम लोग। तो ये है यहाँ का फिश राउंड बोर्ड जो कि पूरा सिग्नल, ओल्ड सिग्नल था वो क्लोज हो चुका है और अभी नया सिग्नल के वजह से घूम घूम के जाना पड़ा और ये जो अभी मैं जा रहा हूँ ये रास्ता भी कुछ दिनों में बस बंद होने वाला है शायद। और सामने जो देख रहा है वो रोड है सलाउद्दीन रोड जहाँ अभी हम लोग जाएँगे, सलाउद्दीन रोड के पीछे की ओर से निकलेंगे हम लोग रिग्गा की ओर। तो अभी कोई गाड़ी नहीं है तो क्रॉस तो करेंगे ऐसा ही क्योंकि सिग्नल भी नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली में सिग्नल हो गया है क्लोज जो कि यहाँ पे भी क्लोज है, सेम वैसे ही क्लोज कर दिया है तो आगे से रन करना पड़ रहा है ज़्यादा ही दूर से।
ये एक्चुअली में रॉन्ग साइड है। और यही है नया सिग्नल जो मेन हाईवे के ऊपर ओपन किया गया है, क्योंकि दोनों साइड से क्लोज था, तो एग्जैक्ट अब यहाँ से क्रॉस करना है हमें। और ये पूरा रोड है सलाउद्दीन रोड जिसका नाम है, और यहीं से हम लेफ्ट जाएंगे तो वहाँ पे हम मेट्रो स्टेशन के एग्जिट नंबर 1 पे निकलेंगे। बट हमें जाना है उल्टा राइट साइड, ये कोने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि वो है विवा सुपर मार्केट जहाँ हमें थोड़ा कुछ सामान लेना है। तो यहाँ से क्रॉस करते हुए चलते हैं, और ये है विवा सुपर मार्केट जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी सस्ता, यहाँ खास करके वेजिटेबल यहाँ बहुत सस्ता मिलता है। और साइकिल को भी अंदर पार्क कर सकते हैं हम लोग, तो इसको यहाँ पे पार्क करके और अंदर की ओर चलते हैं। और मुझे लेना है क्या, मिल्क लेना है एक, और तो कुछ खास नहीं है, और एक बनाना ले लेंगे, नहीं तो दो। कहाँ गया मिल्क, लेंगे फ्रेश मिल्क जो कि स्पेशल ऑफर में लगा हुआ है, और इसकी प्राइस है 3 दिरहम, ये है हाफ लीटर की बोतल। और ले लेते एक बनाना, एक मेरे बैग में और पड़ा हुआ है, एक ही लेते हैं, तोड़ के ले सकते हैं। चलते हैं कैश काउंटर पे, इसका कैश करा देते हैं और फिर निकलेंगे जिम की ओर। चेंज निकाल लेता हूँ मैं अपने बैग से। तो बनाना पहले खा लेता हूँ मैं, फिर साइकिल चलाते चलाते तो खा नहीं पाऊँगा, थोड़ी देर वॉक कर लेता हूँ और बनाना भी खा लेता हूँ जब तक मैं अपना। बनाना खा लिया हमने, अब चलते हैं गाड़ी। तो अभी हम लोग फिलहाल है अल गुरेर मॉल के पीछे की तरफ, ये है सिनेमा पार्किंग का नाम है सिनेमा पार्किंग। और सामने है मुरक्काबाद रोड और ये है अल गुरेर मॉल। और सामने आने फारसी रेस्टोरेंट है जो कि अल गुरेर में ही है, और ये कॉर्नर वाला एक चौकिंग रेस्टोरेंट है, और इसके बाजू में एग्जैक्ट है मस्जिद। और इसी रोड से हम सीधा जाएंगे तो रिग्गा रोड है। जोर का टाइम हो गया, तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं रिग्गा रोड पे। और ये भी रिग्गा, ये पूरा एरिया रिग्गा का है, और
मेरे राइट साइड में जो है वो मेन रिगा रोड है और हम लोग अभी पीछे की तरफ से जा रहे हैं और यहाँ से हम लोग अगर लेफ्ट लेते हैं तो वापस सलाउद्दीन मेट्रो स्टेशन पे एग्जैक्ट पहुँचेंगे जो कि रीफ मॉल की तरफ है, बट हमें जाना है यहाँ से राइट और रिगा साइड। गाड़ी कोई नहीं है, निकल लेते हैं। और ये सामने देख सकते हैं ये है रिगा और वो मेन जो बस जा रही है वो रिगा रोड है और हम जा रहे हैं यहाँ से लेफ्ट जो कि केएफसी बिल्डिंग के पीछे वाला रोड है, ये एग्जैक्ट मेन केएफसी है जो के रिगा में उसके पीछे का ये रोड है, ये है रिगा। और ख़ास करके ज़्यादा रेसिडेंस यहीं पे है और जितने यहाँ पे कम से कम 10-12 आपको जिम मिल जाएंगे इस पूरे एरिया में और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी है और बाकी जितनी बारी यहाँ पे है पूरे रोड में काफ़ी सारे होटल वगैरह भी है और यहाँ पे एक IBS होटल है जो कि बहुत ही फेमस है और बिजनेस सेंटर पॉइंट यहाँ का रिगा बिजनेस सेंटर पॉइंट भी कहलाता है। और उसके नेक्स्ट बिल्डिंग है वेजन और ये सेम बिल्डिंग ऊपर ब्लू ग्लास दिख रही है वो हमारी जिम है। तो चलते हैं इसके अंदर और यहीं से लेते हैं राइट। तो फाइनली आ गए हैं हम लोग बिल्डिंग के अंदर और साइकिल ले चलते हैं ऊपर, बट लिफ्ट से नहीं जाएंगे, उठा कर जाएंगे, जिम कर रहे हैं तो इतना तो उठाना बनता है भाई। तो यहाँ से निकलते चढ़ते हैं और ये देख सकते हैं रियल जिम 365 जो कि ये है जिम का नाम और ये एम फ्लोर पे ही है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सर? ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और सर कैसे हैं? ठीक है, क्या कर रहे हैं? बस आज सोचा कि व्लॉग बना लूँ, थोड़ा जिम आ रहा हूँ तो आपके जिम का भी प्रमोशन हो जाएगा थोड़ा। तो सर आज जिम के बारे में कुछ बताएं थोड़ा। तो ये हमारे सर निशार शेख हैं जो कि केरला से हैं और ये सर हम यहाँ को हमें यहाँ पे ट्रेन करते हैं और हमें बताते हैं कि किस तरह आप एक्सरसाइज इजीली करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी मसल ग्रो, आपकी बॉडी शेप जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी बने। तो सर बताएं आज क्या करेंगे आप लोग? चलो चलते हैं जिम। ओके, हाउ आर यू ब्रो? गुड। हाउ आर यू ब्रो? गुड। हाउ आर यू ब्रो? गुड ब्रदर। हाउ आर यू ब्रदर? हाउ आर यू ब्रदर? हाउ आर यू ब्रदर? गुड। हाउ आर यू ब्रदर? हाउ आर यू ब्रदर? How are you, brother? देख सकते हैं सर सपोर्ट ट्रेन कर रहे हैं। हमारे ब्रदर उनका शर्ट के अंदर बॉडी है। हाँ भाई के शर्ट के अंदर बॉडी है, छुपा के रखा हुआ है। तो गाइज ये हमारा जिम है, तो मैं छोटा सा आपको टूर दे देता हूँ जिम के बारे में। तो ये हमारा जिम है और यहाँ पे सारे सामान मौजूद है और यहाँ की फीस कुछ है 140 दिरहम है मंथली जो कि अभी है, बाद में चेंज हो जाए इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट अभी फ़िलहाल इतने हैं। बट आप ईयरली लेते हो या 6 मंथ का पैकेज लेते हो तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है और मैंने तो अभी सिर्फ 3 मंथ का लिया हुआ है, तो बाद में उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि जिम तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है और सब कुछ अवेलेबल है और जितने भी मशीन्स वगैरह सब के सब नई हैं और काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी आपको इन्जॉयमेंट मिलेगा। और दुबई में इतना बड़ा जिम तो अभी मैंने नहीं देखा, बाकी बहुत बड़े बड़े जिम है, बट मेरे हिसाब से ये मेरे लिए बहुत बड़ा है और मैं यहाँ पे भी फ़िलहाल वर्कआउट कर रहा हूँ तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। और यहाँ के स्टाफ वगैरह भी बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत सारा हेल्प करते हैं आपके एक्सरसाइज में, और हमारे सर वगैरह आप देख सकते हैं कितना हमें मतलब ट्रेन कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये एक बड़ा सा एरिया है यहाँ पर जाके वर्कआउट करने के लिए। मैं
जिम के लिए आया हूँ, तो आज सर मुझे सिखाएंगे कि किस तरह कौन कौन से स्टेप है जिसकी वजह से हम जल्दी अपना मसल बढ़ा सकते हैं और अपने बॉडी को फिट कर सकते हैं। तो सर हम आज कौन सा पहला करेंगे बताए कुछ? आज क्या मैंने तो ये वाला भी किया कल, वो वाला डंबल वाला उठाने वाला, ये वाला वो हैमर वाला, ये सब किया था उधर। बैक करना है? बैक क्या करना है बताओ बताओ। ट्रेडमिल अभी यहाँ से स्टार्ट होते हैं। फिर स्पीड इस पर बढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ से स्पीड बढ़ती है? कोई कोई मिशन पे यहाँ पे जाते हैं। ओके, तो अगर तुम उतना मोटा नहीं है तो तुम्हारे लिए सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट वार्म अप के लिए काफ़ी है। ओके, मतलब इसको वजन कम करना उसके लिए सही है? उसके लिए 20 मिनट। मेरे लिए सिंगल के लिए तो ज़रूरी नहीं है ये। तो उतना तुमको तो अभी गेन करना है ना, तो सिर्फ ये चाहिए। सो गाइस, ये हमारे फ्रेंड है सर। वेयर आर यू फ्रॉम? इंडिया। विच पार्ट ऑफ इंडिया? बैंगलोर। बैंगलोर, तो ये सर भी बैंगलोर से है। तो सर अपने बारे में कुछ बताएं, आपका नाम? जी, मेरा नाम अमन है। कॉलेज से आता हूँ मणिपाल यूनिवर्सिटी में। अच्छा, कॉलेज कर रहे हैं जी? कौन सी यूनिवर्सिटी? मणिपाल यूनिवर्सिटी। मणिपाल यूनिवर्सिटी। कितने टाइम हो गए यहाँ? यूएई में मेदर ही पैदा हुआ। अच्छा, माशाल्लाह, ये यहीं सर पैदा हुए और यहीं रह रहे हैं और यहीं पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में जिम भी कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। सर का भी हम देखेंगे कि वो किस तरह अपना जिम करते हैं और इनका किस तरह का वर्कआउट है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं सर की बॉडी और सर के वर्कआउट से आपको अंदाज़ा होगा कि सर कितना मेहनत करते हैं अपनी बॉडी पे। स्लो स्लो, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे खींचो, ऊपर जाएगा, स्लो, पूरा नीचे खींचो, तो स्क्वीज होना है भाई, फिर ऊपर जाते हो स्लो। हाँ, और नीचे खींचो, थोड़ा क्लोज पकड़ो, क्लोज पकड़ो, क्लोज हाथ को क्लोज करो, हाथ को क्लोज करो और बॉडी स्ट्रेट रखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, खींचो, स्क्वीज करो, बैक पूरा स्क्वीज। ओके, नाइस। 3 सेट करना है, 15 12 10। हर सेट पे थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज करना, 30 सेकेंड रेस्ट लेना है, 30 सेकेंड 60 सेकेंड, डिपेंड करता है वेट जितना बढ़ाएगा उतना रेस्ट लेना।
तो यहाँ पे एक फ्रेंड है फिलिपिनो जो क्या कर रहे हैं एक्सरसाइज, और हम उसका एक्सरसाइज देख रहे हैं। कैन यू डू ब्रो? देख सकते हैं इसकी मसल्स कितने हैवी है। टू मच हैवी योर मसल्स लाइक एवरी डे। So what's your name, bro? Jeffrey. Yeah. Nice your. What's your YouTube channel? Looking name? Also. Your fitness is good. Thank you. और यहाँ पे हमारे दूसरे भाई है जो कि वर्कआउट कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेग्स का? लेग्स के लिए। अच्छा, ये लेग्स के लिए। क्या हाल है बड़े भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बस आप कर रहे हैं जिम, हम शूट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, भाई की भी बॉडी माशाल्लाह अच्छी खासी हो चुकी है। कितना यू फॉर दिस YouTube चैनल इसको इंट्रोड्यूस कर। स्क्वीज कर, स्क्वीज कर मसल को, और यहाँ पे स्क्वीज होना है, मसल को टाइट करना, खींचो खींचो पूरा टाइट पूरा। हाँ, खींच पूरा। बस फिर बस पूरा नीचे, पूरा नीचे, पूरा नीचे, स्ट्रेच कर नीचे और नीचे। आज के लिए इतना ही था वर्कआउट, और आज मेरा वर्कआउट ख़त्म हो गया। सर ने काफ़ी अच्छा सिखाया और मसल भी भारी हो गया मेरे बहुत, तो अभी तो मैं टायर्ड हो गया और मेरा टाइमिंग भी ख़त्म हो गया। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, और वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक सब्सक्राइब करके और कमेंट करके, ताकि हमें भी पता चले मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको, और सर ने जो हमें सिखाया उसके ऊपर भी हम गौर करेंगे। और सर के बारे में जैसे आपको पता ही है कि सर यहाँ पर ट्रेनर है, और चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक और सब्सक्राइब करो। देखो सर ने भी कहा बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन भी दबा देना सर ने कहा। तो इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।